यस सर। तो तुम्हें ये आता है फॉर्मूला लिखना, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, HCl होगा कि HCl2 होगा कि H2Cl होगा, कैसे लिखते हैं पता है? नो सर, एटॉमिक नंबर्स याद है? मैंने नो सर, यस तो पहले बोला था ना कि एटॉमिक नंबर्स 1 से 30 तक कम से कम याद रखो। वैलेंसी सर, कैसे निकालते हैं पता है? नो सर, वो भी नहीं पढ़ाया मैंने। नो ठीक है, सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, यहीं से शुरू होता है। इसका क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर यानी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन एक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सीएल मतलब क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, तो 17 का हम लोग ऐसे ऑर्बिट्स बनाते हैं। पहला ऑर्बिट ये हो गया, दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, और अगले में मैक्सिमम कितना होता है? 8। यहाँ क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 और 2 कितना हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 हो गया, 7 और चाहिए ना, तो एक और ऑर्बिट बनाएंगे और इसमें 7 और डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 17 हो गया ना। अब लास्ट ऑर्बिट में टोटल 8 होने चाहिए, इसके बाद 7 है, तो ये किसी से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, ताकि कंप्लीट हो। ठीक है, तो एक और लेगा, यानी इसका वैलेंसी क्या हो गया? 1। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी एक है, पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक और चाहिए, या तो एक और लेगा या एक देगा, तो इसका भी वैलेंसी हो गया 1। इसको हम बोलते हैं वैलेंसी, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा या देगा स्टेबल होने के लिए। समझ में आया? हेलो, यस सर, नो हाँ, कुछ समझ में आया? सर, सर जैसे ये हाइड्रोजन है, राउंड इसका वाला नहीं है, एटॉमिक नंबर है 1 1 है, वन होता है ना, तो हमारा यस ऑर्बिट्स सर, जो बनते हैं, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे हमारा जो करंट चल यस रहा सर, है, दैट इज व्हाट, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रॉन ही प्लस से माइनस, जैसे बैटरी में देखो ना, प्लस माइनस लिखा होता है, तो ये माइनस मतलब यहाँ पे यस इलेक्ट्रॉन्स सर, हैं जो कि इस तरफ जाते हैं, तो यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं ना, तभी तो नाम अलग अलग पड़ा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम करके, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक यस नंबर कितना होता है? 1, यानी कि इसमें एक वन, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो ऑर्बिट बनेगा उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की ओके प्रॉपर्टी सर, है ना, कहीं ना कहीं जाना आना दौड़ भाग करना, है ना, तभी तो करंट फ्लो होता है। तो इसमें एक अगर यस इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऐसे शेल बना होता है, ये तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली पता किया है, देखा है कि कैसा होता है इसके अंदर, है ना। तो सभी में ऐसे सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में अगर देखेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ पाया गया है। ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है सभी एटम्स की, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, सभी एलिमेंट में अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे ऑर्बिट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कैसे कैसे, है ना, एक और ऐसे बना लो। यस ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओके होता है, तो दूसरा कोई ऑर्बिट कहीं दूर से आ रहा होगा अगर। ठीक है, और मान लो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये लोग किसी भी ढंग से कंबाइन होंगे आपस में, तभी तो कंपाउंड बनता है ना। कंपाउंड कैसे बनता है? H2O ही क्यों बनता है वाटर के लिए, HO क्यों नहीं बनता है? तो बिकॉज देर इज अ डिफरेंट रूल्स फॉर अदर अदर एलिमेंट्स या मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स कुछ भी हो, लेकिन वो जैसे भी कंबाइन हो रहा है उसका एक रूल है, उसी हिसाब से कंबाइन होगा। H2O ही होगा, ओके HO 100 नहीं हो जाएगा, है ना। तो मतलब H2O का मतलब क्या है? ओके 2 H और 1 ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए हम इसको H2O बोलते हैं ना। तो यही रूल्स हम लोग देख रहे हैं कि कैसे H2O होता है। ठीक है, H3O या H4O क्यों नहीं लिखते हैं हम लोग, है ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है फॉर्मूले लिखिए सिंपल कंपाउंड्स का, और तुम्हें नाम देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इतना पता ही है कि हाइड्रोजन और क्लोरिन को मिला के बनाए, है ना। यस सर, तो एक तो हो गया हाइड्रोजन, जिसका लिख लिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंसी जो आउटर मोस्ट शेल में जो वो लेगा या देगा स्टेबल होने के लिए, ये क्या करते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं। H2O क्यों हुआ? जैसे ही हाइड्रोजन के आसपास में ऑक्सीजन आया तो दोनों आपस में चिपक गया और H2O बना दिया,
क्यों चिपक गया? अब ये स्टेबल हो गया, जैसे मैग्नेट है तो वो सोने को, उसको लोहे को अट्रैक्ट करता है ना, उसी प्रकार हाइड्रोजन यस ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और एक अट्रैक्ट कंपाउंड बनाता है। जब दो चीजें मिल गई तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड, है ना। पहले जब मिल कंपाउंड रही थी वो क्या था? एक तरह से एटम, मॉलिक्यूल, लेकिन जब दो चीजें मिल गई तो वो कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया एक तरह से, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन ओके और क्लोरीन मिलेंगे तो कैसा फॉर्मूला होगा, क्या बनाएगा, है ना। तो इसका रूल्स हमें पता करना होता है कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें जो हाइड्रोजन दिया है उसका वैलेंसी लिखना है, ये लिखा है ना वैलेंसी। फिर क्लोरीन दिया है उसका भी यस वैलेंसी निकाल के लिखना है। तो क्लोरीन का होता है 17, उसका कॉन्फिगरेशन कैसा होता है मैंने दिखाई दिया तुम्हें यहाँ पर। इसमें लास्ट शेल में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये इसमें एक और होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो ढूंढेगा एक इलेक्ट्रॉन आसपास में कहीं मिल जाए, ठीक है। तो वही एक इलेक्ट्रॉन इसको किससे मिल रहा है? हाइड्रोजन से मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन बताया था ना मैंने, है ये एच है और ये यस सीएल है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन ये इधर लेगा, है ना, और इस तरह से ये लोग बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो बॉन्ड बना रहे, तो देखो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वैलेंसी तो दोनों का वन वन हो गया, हाइड्रोजन वन दे रहा है और क्लोरीन एक ले रहा है ना। तो अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। तो यानी कि एच भी वन है और सी एल भी वन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एच सी एल। इतना समझ में आया? यस अगर यहां पर इसका वैलेंसी टू होता तो यहाँ पे हम एच टू सी एल लिखते, है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों का वैलेंसी वन वन है, इसलिए एच सी एल बनता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके सर टेकन सर ओके okay. अब हमें लिखना है, मान लो फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हाइड्रोजन, तो ये किस किस से मिलके बन रहा है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? सल्फाइड मतलब सल्फर। सल्फर नहीं सुना कभी? सुने इसका सिंबल हो गया एच, इसका सिंबल हो गया एस, है ना। अब दोनों की वैलेंसी, एस तो एच का वैलेंसी कितना था? वन, है ना। वन अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? 16, ठीक है, 16 होता है। अब इसका भी बनाओ ऑर्बिटल्स, तो अगर 16 होता है तो देखो यहाँ पे 2 और 8, तो पता ना पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाद वाले में 8 बताया था ना यस अभी, 3 4 5 सर 6 7 8, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, और कितना बचा? यस 16 था ना इसका एटॉमिक नंबर, तो सर 10 के छह बाद 6 छह और बच गए, तो 6 और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए 8 सर होने के लिए, तो ये और 2 किसी से लेगा, है ना, समझ गए इतना। तो अगर ये 2 किसी से लेगा यानी यस इसका बैलेंस क्या हो गया? 2, है ना। टू तो बस अब यहाँ H2S पे फिर हम, हाँ, H2S, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका फॉर्मूला हो गया H2S। समझ में आ गया? S इसका भी ले लो यस ओके स्क्रीनशॉट, फिर अगला करते हैं। सर टेकन सर ओके, थर्ड फॉर्मूला फॉर कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो ये किस किस से बना? एक तो इसमें है कार्बन, ठीक है, और क्या है? क्लोरीन, है ना, क्लोराइड यस मतलब क्लोरीन, क्लोरीन कार्बन का होता है सी और क्लोरीन का होता है सी एल। कार्बन का सीएल एटॉमिक नंबर कितना है पता है? नो सिक्स और क्लोरीन का 17। अब एक बार ट्राई करो इसको खुद से, देखो होता है कि नहीं। ओके सर सर नहीं आ रहा सर कोई बात नहीं, कार्बन का 6 है, तो कार्बन का कैसा बनेगा डायग्राम? तो पहले में तो 2 होता है, मैंने सर बताया था ना, इसमें एक और 2, इसके बाद में कितना बच गए? 4, 1 2 3 4, कितना समझ में आया? अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो पहले में बोला ना 2 ही आ सकते हैं पहले ऑर्बिटल में, ठीक है, और दूसरे में
जित कितने बचे? 6 के बाद 6 में से 2 हमने ले लिया पहले में, तो 4 और बचे ना। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? हेलो हेलो, नहीं मिल रहा मेरा आवाज? सर अब आ रहा अभी आ रहा है? ठीक है। यस सर। है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है मतलब इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है छह ना? कंप। यस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 6 होते हैं तो हम लोग लिखेंगे पहले, तो पहले ऑर्बिटल में 2 होता है, बताइए मैंने, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। और दूसरे में कितने सेकंड बचे? में 4 एट। बचे, तो हमने दूसरे में 8 होता है, मगर है कितने इसके पास? 4 ही बचे ना। और फोर। एटॉमिक यस नंबर सर। 6 का मतलब क्या हुआ? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसी को बांट सकते हैं ना हम लोग। तो पहले में 2 डाल दिया, बाकी 4 ही बचे ना, तो दूसरा ऑर्बिटल में 4 आ गया, है ना। लेकिन ये ले यस कितना सकता है? 8, यानी कि इसमें से 4 और लेगा किसी से, है ना। यस तो इसका वैलेंसी 4 हो गया, सिंपल। समझ में आया? CCl4। हाँ वो तो ठीक है, अभी तक ये क्यों नहीं कर पाए थे, वैलेंसी क्यों नहीं निकाल पाए, ये मैं पूछ रहा हूँ ना। इसमें क्या डिफरेंट है? सभी में सेम रूल अप्लाई होगा, पहले में 2, बाद वाले में 8, ठीक है, उसके बाद फिर से 8, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना हो गया सर मैं वैलेंसी? सिक्स सिक्स और 17 को मिला के ऑर्बिट में कर रहे थे। हाँ तो वैसे कहाँ कर रहे थे हम लोग, पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, क्या हमने दोनों को मिलाया है कभी? अलग अलग लिख रहे हैं ना दोनों का वैलेंसी, नो सर। पहले दोनों का अलग अलग वैलेंसी लिखना है, उसके बाद ये सब क्रॉस क्रॉस करना है, ठीक है। ओके। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये हो गया CCl4, है ना। इसको क्लियर करते हैं। सेकंड। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें क्या क्या आ गया? एक तो आ गया मैग्नीशियम, है ना, और आ गया और सेकंड क्लोरीन। कॉल क्लोराइड। क्लोरीन बोलते हैं, क्लोराइड तो फॉर्मूला में बोलते हैं, ये तो क्लोरीन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताएं? 12, ठीक है, लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। और क्लोरीन का इतना बार तो कर 17। लिए वैलेंसी, अब इन दोनों का ट्राई करो वैलेंसी निकालने का खुद से। हाँ जी CL2। सर वैलेंसी 2 आया। यस जिसका मैग्नीशियम का 2 आया और क्लोरीन का 1, है ना, सर। ठीक है, गुड, समझ गए मतलब, ठीक है। एक और करो अब, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर पता है? नहीं, इसका होता है 13, ठीक है, और ऑक्सीजन का 8, एट। ठीक है। अब करो, ओके सर। Al2O3। ओके, ये भी हो गया। फिर तो कहीं से देख के तो नहीं कर रहे सारा ना। नो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना पता है? 20, और ऑक्सीजन का 8, है ना। अब एट। कैल्शियम का बताओ वैलेंसी कैसे निकालेंगे? सर पहले ऑर्बिट में से हो गया पहले 2 दो बार। इलेक्ट्रॉन, अगले में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, 10 हो गए। फिर अगले में मान लो ले लिया 8, कितना हो गए? 18, 8। दो और बच गया, है ना, 18। इसमें यस दो सर। और बच गया, तो इसका हो जाएगा क्या? वैलेंसी 2, है ना। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8 था तो 2, है ना। तो ये हो गया क्या? कैल्शियम को लिखते हैं हम लोग Ca, यस और ऑक्सीजन को लिखते हैं O, है ना, CaO, तो इसको हम लिख सकते हैं CA2O2,
ठीक है, लेकिन अगर दोनों में सेम ही है तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या हो जाएगा, CaO, अगर दोनों में सेम CO है तब, ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम हो गया ना, ओके okay. 2:2 का हो गया क्या 1:1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे नहीं होता है रेशनल नंबर 2/4 तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, उसी तरह से अगर दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक ठीक है, तो मैं है एटॉमिक नंबर बता देता हूँ एक बार, जैसे एटॉमिक, ये होमवर्क है तुम्हारा करना खुद से, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या एलिमेंट, और एक लिख लेंगे क्या सिंबल, और फिर क्या लिख लेंगे वैलेंसी, ठीक है, ऐसे लाइन बनाना, ठीक है, एलिमेंट सिंबल एंड वैलेंसी, जैसे एटॉमिक नंबर 1 हो गया, ये किसका होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, सिंबल हो गया H, वैलेंसी हो गया 1, ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद होता है, यहां मैं लिख देता हूँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये 10 तक हो गया, तो ऐसे ही सारा लिखना है 30 तक, ठीक है, और जहां तक वैलेंसी निकाल सकते हो वहां तक निकालना, कम से कम वैलेंसी 20 तक निकाल लेना, अप टू 20, ठीक है, उसके ट्वेंटी बाद थोड़ा सा लंबा है, उसके अलग रूल्स हैं, मैं बाद में बताऊंगा, वो तुम 11 12 पढ़ोगे, पर अभी इतना इस वाले फॉर्मूले से इतना तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, तो 1 से 20 तक के ओके एलिमेंट्स लिखना, उनके एलिमेंट सिंबल वैलेंसी का स्क्रीनशॉट ले लो कैसे करना है ना, इस टाइप से करके रखना और मुझे ठीक भेजना, ठीक है, ठीक है, आज का यही टॉपिक काफी है, चलो एंड करेंगे, ओके सर ओके बाय।